सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी करियर में डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर मुकेश छाबड़ा की भूमिका काफी अहम रही। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म कायपोचे में मुकेश छाबड़ा ने ही कास्ट की थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ये फिल्म दिलाई थी और सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में भी मुकेश के साथ ही सुशांत ने काम किया था। मुकेश छाबड़ा 27 मई को अपना जन्मदिन मना रहे थे और इस खास मौके पर उन्होंने सुशांत से जुड़ी कई बातें कही। मुकेश छाबड़ा पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फिल्मों में एक्टर्स को कास्ट करते हैं। सन 1997 में मुंबई आए थे जहां पर बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। रॉकस्टार, चिल्लर पार्टी, गेम्स ऑफ वासेपुर, शाहिद, कायपोचे, डी डे, चेन्नई एक्सप्रेस, हैदर, तमाशा, दंगल, ट्यूबलाइट, संजू भारत जैसी कई फिल्मों में मुकेश ने एक्टर्स को कास्ट किया है। मुकेश छाबड़ा की वजह से ही राजकुमार राव को भी कायपोचे में कास्ट किया गया था, जो कि आगे चलकर बॉलीवुड में बेहतर एक्टर के तौर पर शामिल हुए। मुकेश ने इंडस्ट्री में पहले ही दिन कास्टिंग की कमान संभाल ली थी। 2008 में मुकेश छाबड़ा ने खुद की कास्टिंग कंपनी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी लॉन्च की थी। कंपनी और प्रोफेशन की वजह से मुकेश छाबड़ा कास्टिंग छाबड़ा के नाम से पॉपुलर हुए। मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग के अलावा एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। वो रंग दे बसंती, अमाल, हाईजैक, कमीने, चिल्लर पार्टी, गेम्स ऑफ वासेपुर 2, लव शव ते चिकन खुराना, रमन राघव 2, राजमा चावल में वो नजर आए थे। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सभी काफी ज्यादा सदमे में थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जहां फैंस के परिवार का दिल टूट गया, तो वहीं एक और शख्स भी थे जिन्हें सुशांत के निधन का काफी बड़ा झटका लगा था। 2020 में मुकेश छाबड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म दिल बेचारा के जरिए डायरेक्टोरियल में डेब्यू किया था। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राबता और केदारनाथ थी। मुकेश छाबड़ा ने ही कास्ट डायरेक्टर के तौर पर नजर आए थे। दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी खास थी और एक इंटरव्यू में मुकेश ने बताया था कि जब फिल्म बेचारा के लिए सुशांत सिंह राजपूत तो एक्टर ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही तुरंत से अपनी एक्टिंग कर दी थी और इसके लिए मुझे उसने हाँ कर दी थी और कहा था बिना स्क्रिप्ट पढ़े कि वो मुकेश छाबड़ा की फिल्म में काम जरूर करेगा। नेक्स्ट सनएफ सुरेश की रिपोर्ट।